हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग एक A4 पेज में एक साथ एक नहीं दो नहीं एक साथ पांच पांच इंस्ट्रूम कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग अपना पीसी में फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। फोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोग फोटोशॉप एप्लीकेशन ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर डबल क्लिक करिए। डबल क्लिक करने के बाद आप लोग अपना पीसी से एक इंस्ट्रूम कार्ड उठा लिए, सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करिए। ओपन, मैं यहाँ ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक न्यू पेज ले लीजिए, A4 पेज। न्यू पर क्लिक करिए। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइज A4, उसके बाद व्हाइट, देन ओके। ओके ओके पर क्लिक करने के बाद आप लोग पेज साइड पर ले लीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल पर क्लिक करिए। क्रॉप टूल पर क्लिक करने के बाद आप लोग एक बात ध्यान रखिए, विथ 3.4 इंच हाइट 2.2 इंच। मैं फिर से रिमाइंड करता हूँ, विथ 3.4 इंच हाइट 2.2 इंच, ठीक है। उसके आप लोग क्रॉप टूल सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए हाइट विथ 3.4 इंच और हाइट 2.2 इंच, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्रॉप पर यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप लोग यहाँ पर मूव टूल पर क्लिक करिए। मूव टूल पर क्लिक करने के बाद आप लोग इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके न्यू पेज में ले आइए। न्यू पेज पे ले आने के बाद आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इस इमेज पर आइए। इस इमेज पर आने के बाद आप लोग कंट्रोल आल्ट जेड पर क्लिक करिए। कंट्रोल आल्ट कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जेड पर क्लिक करने के बाद आप पहले से न्यू पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद आप लोग यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक करिए। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पर हुई 3.4 इंच और हाइट 2.2 इंच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्रॉप टूल पर क्लिक करिए। उसके बाद आप लोग यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मूव टूल से यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर यहाँ न्यू पेज पर ले आइए। उसके बाद आप लोग इसको आप लोग एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर क्लिक ख्याल करिए मेरा माउस पॉइंट पर, यहाँ पर ऑटो सिलेक्टेड लेयर ये दोनों ऑप्शन इनेबल होना चाहिए। इस दोनों ऑप्शन को आप लोग आपका पीस में अनटिक हो सकता है, आप लोग दोनों फील्ड में टिक लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस दोनों लेयर को, इस दोनों पिक्चर को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जे देखिए, इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा टॉप या बटन जहाँ पर हो आप लोग थोड़ा नीचे थोड़ा पर ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने एक मेनू खुल के आएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर विड्थ टाइप करना है 3.4 इंच और हाइट 2.2 इंच, ठीक है। इसके बाद आप लोग एंटर प्रेस करिए। कंट्रोल जेड, ठीक है, मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, ओके, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस हिस्से को सिलेक्ट करके फिर से यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप थोड़ा नीचे बटन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉपअप मेनू, यहाँ पर एक मेनू खुल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर विड्थ टाइप करिए 3.4 इंच और यहाँ पर हाइट 2.2 इंच, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस दोनों को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ये दोनों तो बन गया, हो गया। इसको हम लोग आप मर्ज करेंगे। आप यहाँ पर देखिए लेयर सेक्शन, आपका पीसी में लेयर सेक्शन नहीं हो तो आप लोग क्या करिए। यहाँ पर इसको सिंपली मैं क्लोज करता हूँ। विंडो पर क्लिक करिए, यहाँ पर लेयर ऑप्शन को टिक कर लीजिए, ठीक है। मैं फिलहाल इसको यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है।
यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर देखिए लेयर वन है और लेयर टू है। पहले आप लोग लेयर टू को सिलेक्ट करिए, उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस करिए। ठीक है, देखिए आप ये दोनों मार्ज हो गया। ए कहाँ पर जाएगा, तो एक साथ दोनों जाएगा, एक नहीं जाएगा, एक साथ दो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे पांच पांच बना लेता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, मैं आप कीबोर्ड का एरो की कर इस्तेमाल करके थोड़ा मैं ऊपर खींच रहा हूँ इस इमेज को, ऊपर ऊपर। ठीक है, चलिए उसके बाद इसको भी, उस फिर इसको भी। ठीक है, थोड़ा डाउन। ठीक है, इसको भी हमको मार्च करना पड़ेगा। ठीक है, इस इमेज को भी हम लोगों को मार्च करना पड़ेगा। चलिए कैसे करता हूँ दिखाता हूँ। पहले एक इमेज पर सिलेक्ट करिए, लेयर वन पर। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर एक जो लेयर है एक एक करके सिलेक्ट करते जाइए और कंट्रोल ई प्रेस करते जाइए। सिलेक्ट देन कंट्रोल ई, कोई भी एक सिलेक्ट और कंट्रोल ई, सिलेक्ट कंट्रोल ई। आप लोग जो लेयर वन है उसको कंट्रोल ई मत करिए। ठीक है, चलिए मैं बैकग्राउंड रिमूव करके दिखाता हूँ। देखिए ये सारे के सारे एक साथ हो गया है। ठीक है, देखिए मैं जो भी करूँगा एक साथ जाएगा ये लोग। ठीक है, मैं यहाँ से माउस, चलिए आप लोग चाहिए तो आप इसको प्रिंट कर लेना कर सकते हैं। फाइल पर सिलेक्ट करके प्रिंट व्यू, प्रिंट पर मैं क्लिक करता हूँ, सेंड। ठीक है, चलिए मैं व्यूज देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा इश्रम कार्ड एक A4 पेज में पांच पांच इश्रम कार्ड बन गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। ठीक है।